आप देखिए, ऐसा है कि आप सबने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने, जिसके मुखिया उपराज्यपाल महोदय हैं, पिछले कुछ महीनों पे अथक प्रयास करने के पश्चात दिल्ली का एक नया चेहरा आपको सबको दिया है। पिछले कुछ महीनों से उपराज्यपाल महोदय, चाहे वो सुबह हो या शाम हो या रात हो, सभी अधिकारियों के साथ में निरीक्षण कर रहे हैं और उस निरीक्षण का एक नतीजा जो है आज पूरी दिल्ली देख रही है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी नरेश कुमार इस समय खुद राजघाट पर औचक यानी अचानक से निरीक्षण जो यहाँ पर चल रहा है काम, उसकी तैयारियों का जायज़ा लेने पहुँचे। हमारी नज़र अचानक पड़ी क्योंकि हम यहाँ पर कवर कर रहे थे तो हमने देखा एक बड़ा काफिला जो है आया और हमने देखा वहाँ पर नरेश कुमार अचानक यहाँ पर खुद राजघाट में जो तैयारियाँ हो रही हैं उसका निरीक्षण करने पहुँचे। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से तैयारियाँ राजघाट में हो रही हैं और अब जबकि तीन दिन, आज से चार दिन का समय जो है G20 को शुरू होने में बाकी है, तो इस तरह से अब क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां करना बाकी है। नरेश जी, हमने देखा कि आप अचानक से आए एकदम युद्ध स्तर पर, जिस तरीके से काम होता है उसका जायज़ा लेने, तो तैयारियां कहां तक हो गई हैं, क्या कुछ होना अभी इस राजघाट वाली सड़क पर बाकी है? देखिए, जो राजघाट है वो इस पूरे प्लैनेट का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। शायद ही कोई ऐसा दुनिया में व्यक्ति होगा जो राजघाट के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसा नाम है जो पूरे विश्व के लिए यानी वेल नोन है। तो इसीलिए जब हमारे गेस्ट G20 के सम्मेलन पर यहाँ आएंगे तो उस टाइम पूरे यानी कि 20 देश जो G20 हैं, 9 देश जो हम भारत ने इन्वाइट किए हैं और बाकी करीब 14 जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सब के चीफ यहाँ पर रहेंगे और वो अपना राजघाट पर विज़िट करेंगे 10 तारीख में। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ जो लगे तो एकदम बेहतरीन व्यवस्था हो, उसी को चलते हुए यहाँ पर आ जाने की आवश्यकता पड़ी। तो क्या आखिरी चरणों में यहाँ का काम अब समझा जाए कि कब तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की सिर्फ फिनिशिंग होना बाकी है, तो कब तक वो काम कम्प्लीट हो जाएगा? मैं तो ये सवाल आप ही से पूछता हूँ कि आप निर्णय करें कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा है कि जो सफाई है वो तो यानी 24 घंटे चलती है, बट बाकी तो सब चीज़ें आपके समक्ष हैं, आपका कैमरा इस चीज़ को कैप्चर कर रहा होगा, तो लेट द यानी कि फोटोग्राफ्स एंड द वीडियो डिसेमिनेट टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड लेट देम डिसाइड कि कैसी यहाँ पर व्यवस्था है। तो आखिरी सवाल कि जिस तरह से आज आपने औचक निरीक्षण राजघाट का किया, क्या इसी तरह आप दिल्ली के और भी जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको कमान सौंपी है दिल्ली के LG VK सक्सेना ने, क्योंकि हमने देखा लगातार दिल्ली के LG VK सक्सेना जो है अलग अलग साइट्स का खुद जाके निरीक्षण कर रहे हैं और आज हमने आपकी वो तस्वीर भी देखी कि हर जगह आप उनके साथ मौजूद थे, लेकिन आज जिस तरीके से आप यहाँ पर एकदम एक्शन मोड में आए, तो क्या कुछ हिदायत दी गई है स्पेसिफिकली राजघाट वाले इलाके के लिए कि उसकी निगरानी आप करें? नहीं, ऐसा है जी कि पिछले कुछ महीनों से उपराज्यपाल महोदय, चाहे वो सुबह हो या शाम हो या रात हो, सभी अधिकारियों के साथ में निरीक्षण कर रहे हैं और उस निरीक्षण का एक नतीजा जो है आज पूरी दिल्ली देख रही है। तो उसी निरीक्षण के चलते हुए हम सब और हमारे जो बाकी ऑफिसर हैं, वी आर हियर हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से हमने देखा कि पूरा जो NDMC का इलाका है नई दिल्ली का, जहाँ पे G20 के हमारे मेहमान आएंगे, जहाँ पे उनकी विजिट होगी, पूरा चमक गया है, लेकिन दिल्ली के और भी इलाके हैं और हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी बोला VK सक्सेना ने कि अब ये जो मिशन मोड का काम शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, ये पूरी दिल्ली में होगा, तो क्या आप देख रहे हैं कि इस तरीके से पूरी दिल्ली को अब चमकाने का वक्त आ गया, जिस तरीके से अभी नई दिल्ली के हिस्से को चमकाया गया? देखिए, ऐसा है कि आप सबने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने, जिसके मुखिया उपराज्यपाल महोदय हैं, पिछले कुछ महीनों पे अथक प्रयास करने के पश्चात दिल्ली का एक नया चेहरा आपको सबको दिया है और हमारा ये मानना है कि हिंदुस्तान जब 2047 में अमृतकाल के लिए एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है तो देश की राजधानी उस तरह की होनी चाहिए जिसमें कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री शैल बी प्राउड है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा सबका प्रयत्न ये रहेगा कि दिल्ली को बेहतर से बेहतर से बेहतर बनाए, लेकिन एक रीज़नेबल टाइम में बनाए, यानी गति भी हो और स्केल भी हो, दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये थे नरेश कुमार जी, दिल्ली के सबसे बड़े अधिकारी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, जो इस समय अचानक मुआयना करने दिल्ली का जो है जो राजघाट का इलाका है जहाँ पर हमारे G20 के मेहमान आएंगे उसका निरीक्षण करने, उसकी तैयारियों का निरीक्षण करने यहाँ पर पहुँचे थे। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ दिनेश यादव, दिल्ली तक।
हैं।